स्टैंडिंग पोजीशन है सीटिंग आपकी, हाँ ठीक है, ऐसा हो तो वो लोड करना है, रखना है यहाँ पर। विश्राम सावधान, विश्राम सावधान, विश्राम सावधान, ब्रेक, तीनों तीन में धैने चलेगा, मोच, ब्रेक, पीछे लौटेगा, पीछे सभी मास्क लगा देना, ठीक है।
पोजीशन का नाम है सिटिंग पोजीशन, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल ये क्या है, ये है स्टैंडिंग पोजीशन। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपने अपने तो पाँव खोलोगे आप तो आपका बैलेंस बनेगा। अभी पोजीशन में क्या है कि रेफर को पकड़ना, रेफर से देखना, रेफर के साथ जो भी कार्रवाई करनी है वो क्या है, वो सभी पोजीशनों में सेम है। अब क्या है, जब आपके पास आर या कवर जो 4 से 4.5 फुट का हो तो किस आर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाँ ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि वो हम अगर नीलिंग पोजीशन अख्तियार करेंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो ये 4 पोजीशन थी के का हो तो वो पूछ सकता है। सभी को पता चल गया, ठीक है, मैं डाउन कर देगा। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पोजीशन के बारे में आपको पता नहीं है तो आप TSC में कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपको लेके जो पहले बताए हैं राइफल को लेके जो लेट के करना है, पैर अच्छे से रखिए, ये हाथ से टेक के राइफल को आपने बाएं हाथ में पकड़ना है, ठीक है। राइफल को अपने बाएं हाथ में पकड़ कर इसको कोनी पे वजन ना उसका, उसके बाद ये राइफल का जो बट है अपने यहाँ कंधे में लेके इसको इस तरह से रखना है और ये खाद को खाली रखना है और पैर पूरा अच्छे से पूरा नीचे लगे हुए रहना ज़मीन से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टारगेट को चेक करना है हमको, ये टारगेट सही है। टारगेट के ऊपर जो काला वाला छप्पी होता है ना, कल कभी देखे टारगेट, हाँ, तो उसको मिला के वो W को वहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद एक खाली से लोड करना है इसको, एक फायर मारना है अच्छे से, ठीक है, फायर। उसके बाद बुलेट लेना है, उसमें लगाना है, इसको कॉक करना है, लोड करना है। उसके बाद फिर से टारगेट पे W ले जाके बिठा कर उसके बाद अपनी कलमे वाली उंगली को ट्रिगर गार्ड के पास रखना है। W मिलने के बाद से आहिस्ते से कलमे वाली उंगली को ट्रिगर के ऊपर रखकर आहिस्ते से उसको खींचना है, ठीक है। ट्रिगर को ऐसा मारना नहीं है, मारते ही वहाँ पर क्या होगा, दूसरी जगह चले जाएगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। ट्रिगर को खींचना है, खींचते ही वो ऑटोमेटिक फायर हो जाएगा। उसके बाद फिर से राइफल को उसी जगह पर रखना है, उसको हिलाना नहीं है। काम आपके राइट हैंड से फिर से आपका दूसरा बुलेट लेना है, ट्राई अपने कॉक करना है राइफल, बुलेट इसके अंदर डालना है, यहाँ सुराख होगा उसके अंदर, फिर उसको अच्छे से कॉक करें, फिर सेम पोजीशन में वही W लेके जाके वहाँ पे रख के सांस रोक के फायर, ठीक है। ये है लेइंग पोजीशन। उसके बाद आपका आ गया सिटिंग पोजीशन। चमड़े को खींचना है, ऐसा खींच के यह रखना है यहाँ पर, रख कर सेम ये हाथ को इस तरह से रखो, राइफल को अंदर खींचो अच्छे से, इसको पकड़ो राइफल को, राइफल कांपना नहीं आपके हाथ में। इसके लिए मस्कटरी होता है, मस्कटरी जिस तरह से ड्रिल नर्सरी में मस्कटरी कराए साहब लोग, पहले कराए आज जैसा है ना, हाँ वैसे ही राइफल फायरिंग के लिए भी मस्कटरी होती है। मस्कटरी करने पर आपके हाथ कांपते नहीं। इसी तरह से आप ये रखिए पैर इस तरह से, ये पोजिशन में रहना है, ये पैर इस तरह से पोजिशन में, ये टो टारगेट की तरफ लिए सामने W, वही सेम W बनाए, सांस रोके फायर करें, फिर बुलेट लिए लोड करें, उसके अंदर डाले, कॉक करें, सांस रोके फायर। ये पोजीशन है सिटिंग पोजीशन। उसके बाद स्टैंडिंग, ठीक, ये जो कोनी है, कोनी स्टेट है ना, इसी ये आप रखें सेम वही पोजीशन, W बनाना है यहाँ से, सेम वही पोजीशन में मारना है आपको, ठीक है। अभी आपको क्या है कि हो जाएगा कि पोजीशन 4 वो वाला ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेइंग पोजीशन वो नीलिंग है, वो जो सर सिटिंग हो रहे थे ना, वो आपको पहले बोला था कि वो नीलिंग है, वो सिटिंग जो लेइंग नीलिंग सिटिंग और स्टैंडिंग, उसके बीच में मैंने आपको कवर की हाइट के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। अभी जैसे सर बोल रहे थे कि टारगेट की तरफ देखना है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि जब आपने रेफल को पकड़ा है, ये क्या है, इधर U है, आगे क्या है, एक टिप है, इसको फोर साइड टिप बोलते हैं,
जब इसके जू के बीच में उसको खड़ा कर दोगे वो डबल जू बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं, मेरे कभी भी गोली टारगेट को टच नहीं हुई है, उसकी मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस में गोली टच करवा दूँगा। उसमें क्या है कि आपने वो जो आपकी डबल जू बन गया, जो जो फोर साइड टिप पेन है उसने आपने सेंटर में मिला दिया टारगेट के, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ टिप को दिखाई देखना है। टारगेट में आपने टिप को सेंटर में मिला दिया, पहले मिला दिया ना, उसके बाद आपने टिप को देखना है। आप कभी भी देखना है, मान लो कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और दूसरा बंदा उसके पीछे 25 मीटर पे खड़ा है, अगर आप आगे वाले को देखोगे तो पिछले वाला जो बंदा है जब पिछले वाला कैसे देता है खड़े होकर, ठीक है। तो अभी ये कौन सी कंट्री का बना हुआ है, हाथ खड़ा करना है, कौन सी कंट्री का बना हुआ है भाई? एक इंडिया का बना हुआ है, ठीक है जी। इंडिया ने इसको हल्का किया, एप्पल जे वाला यार, फोर साइड टिप, ये क्या है, कौन सी लोअर अपर है, ठीक है। किसी भी शब्द इवनिंग अनवारलूम कॉलेज में 4 जनवरी 2021 से एनसीसी का केटर कैंप कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये कैंप करने का मकसद ये है कि बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में अच्छे मार्क्स से कैडेट पास हो सके। जनरली जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना की महामारी में कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, कोई क्लासेस कंडक्ट कहीं भी नहीं हुए, ना कॉलेजेस में हुए ना आपके कोई इंस्टीट्यूशन में। हमारा जो एनसीसी जो है इसमें भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करें हम लोग, लेकिन हमारे पैदल परेड जो राइफल है वो ग्राउंड पर ही होता है। इसी वजह से हम लोग सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर कंडक्ट करना चाह रहे हैं एनसीसी का केडर कैंप। तो ये सीओ साहब हमारे ग्रुप कमांडर और डीडीजी से रिक्वेस्ट करके सारे लोग के लिए कैंप कंडक्ट करें। यहाँ पर अनवारलूम कॉलेज में 100 से 150 कैडेट्स इस कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, पैदल परेड और राइफल खोलना जोड़ना, .22 SLR LMG के बारे में बताया जा रहा है, मैप रीडिंग के बारे में बताया गया, कल की क्लास में मैप रीडिंग के बारे में बताया गया, कंपास और ग्राउंड टू मैप, मैप टू ग्राउंड। अगर आप जंगल में अगर कहीं चले जाते हैं, आपको नॉर्थ मालूम नहीं हो रहा, तो किस तरह से आपको नॉर्थ मालूम किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है इस कैंप के दौरान। और इस कैंप करने के बाद से कैडेट्स एग्ज़ाम 20 के लिए अपियर हो जाता है। एक बी और सी कैंप करने के लिए एक कैंप मैंडेटरी है, जो कि इस कोरोना के चलते कैंप नहीं कंडक्ट कर सकते। तो हम लोग यहीं पे केडर कैंप चलाते हुए इस कैंप के बेस पे सारे कैडेट बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लिख सकेंगे। और इस बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम से कई फ़ायदे हैं हमारे स्टूडेंट्स को। जैसा कि अभी हमारे स्टूडेंट एक स्टूडेंट है, बी सर्टिफिकेट पास हुई है और उसको MBBS में फ्री सीट NCC कोटे से मिल चुकी है। इसी तरह कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते रहे। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं कि NCC में एडमिशन चाहिए, लेकिन ड्यू टू ओपन वैकेंसी वी आर अनेबल टू गिव देम एडमिशन। आप लोग इस NCC में थोड़े से लोग को मालूम है क्या NCC के बेनिफिट्स है, किससे कितना फ़ायदा है, जॉब्स में कितना रिजर्वेशन है, एजुकेशन में कितना रिजर्वेशन है, उनको मालूम है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि किस स्कूल में किस कॉलेज में NCC है। तो वो लोग उसी कॉलेज और उसी स्कूल में NCC वाले स्कूल में अगर एडमिशन लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एजुकेशन में भी फ़ायदा होगा और जॉब्स में भी फ़ायदा होगा। थैंक यू। Good afternoon, I am Cadet Ushashri Suram. I'm from Anvarlum Degree College, 40 Battalion, and I have received a MBBS seat
through NCC in Usmania Medical College, and I had to go through a rigorous training and also a lot of night outs to achieve this thing, because sir was very supportive of me for achieving my goal, my ultimate goal in my life. And firstly, I had to participate in TSC-IUC camp, which was regarding a shooting. Before that, I had to go through a rigorous training, which was through rifles and shooting in directorate. And in that process, sir and other officers helped me, and they have actually introduced me to shooting, which I've never done in my life. And through that camp, and that was one camp, and the next camp was LIDC, which was local Independence Day camp, which was held in Golconda Fort. There I have participated also, and I had gone through 11 or 12 days of rigorous training there in the camp tents and all the stuff in Bison Training Ground. Through NCC, what I've learned is to be strong, because many of the people think that girls are not enough strong and they're weak and they're always flirty and dancey. But through going through NCC training, I had transitioned into another person by becoming strong and, you know, participating in every other competitions they have been putting up, and it had made me change it to another person. And all I thank is to my parents, first for giving me this opportunity, and second to Siddiq sir, Captain Siddiq Hasan sir, for giving me this opportunity through NCC, which, yeah, that's it.